स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। दिल्ली में पुलिस पेट्रोलिंग और वाहनों की चेकिंग बढ़ गई है। दिल्ली में 10,000 से ज्यादा जवान चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। लाल किले के आसपास ट्रैफिक डायवर्जन रहेगा तो लाल किले पर चेहरे की पहचान करने वाले कैमरे भी लगे होंगे। दिल्ली से लगने वाले राज्यों के बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान जारी है तो आजादी के जश्न को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम राजधानी दिल्ली में और सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जगह जगह पेट्रोलिंग बढ़ चुकी है पुलिस की। 10,000 से ज्यादा जवान दिल्ली में चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। लाल किले के आसपास जो ट्रैफिक रहता है उसे डाइवर्ट कर दिया गया है और दिल्ली से लगने वाले राज्यों की बॉर्डर जो है वहां पर सघन चेकिंग हो रही है गाड़ियों की। तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 10,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं तो लाल किले पर चेहरे की पहचान हो वो उस तरह के कैमरे लगे हैं तो स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, आजादी का जश्न है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में सुरक्षा सख्त कर दी गई है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिल रही है राजधानी में? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो इस समय चप्पे चप्पे पे दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लाल किला पे 10,000 से अधिक दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हैं और कल भी तैनात रहेंगे। 15 अगस्त को लेकर के सुरक्षा के मद्देनजर चार चौबंद कर दिया गया है। 1,000 से अधिक CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि कहीं तक कोई अव्यवस्था न फैले। और लाल किला के तरफ अभी से जो है बैरिकेटिंग कर दिया गया है। अगर कोई आदमी जा रहा है, अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है तो उसको तत्काल दिल्ली पुलिस रोक रही है, उसकी तलाशी ले रही है, उसके बारे में जानकारी लेने के बाद उसको छोड़ा जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि पुलिस अपने तरफ से पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक्टिव है। कल रात जो है कुछ जगहों पे जो है एक रूमर फैल गया था, अफवाह फैल गया था दिल्ली में कि लाल किला और कश्मीरी गेट और कुछ जगहों पे जो है बम की सूचना दी गई थी, जहाँ पे पुलिस की टीम पहुंची और उसके बाद जांच जब किया गया तो वहाँ पे कुछ नहीं मिला। तो ऐसे में देखा जाए तो पुलिस लगातार नजर बनाई हुई है और ऐसे अराजक तत्वों पर भी नजर बनाई हुई है जो फॉल्स कॉल कर रहे हैं और इसकी सूचना दे रहे हैं, जिससे पुलिस भ्रमित हो जा रही है। तो लगातार पुलिस चाक चौबंद में जुटी हुई है और ऐसे अराजक तत्वों को इधर पकड़ में लगी हुई है। जी राजीव, और ट्रैफिक को लेकर क्या हालचाल है? ट्रैफिक किस तरह से डाइवर्ट किया गया है लाल किले की तरफ से? देखिए, अभी तो आज ट्रैफिक जो है सामान्य है, लेकिन कल जो है लाल किला की तरफ जो जाने वाले जो तमाम मार्ग है उनको बैरिकेड कर दिया जाएगा ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले, क्योंकि आज आधी रात के बाद से ही जो है और सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया जाएगा और जो ट्रैफिक व्यवस्था है आज आधी रात के बाद परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि जो लाल किला का जो क्षेत्र है वह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर ध्वजारोहण करेंगे, तिरंगा झंडा फहराएंगे, इसके मद्देनजर जो है आज ट्रैफिक पुलिस को रात 12 बजे बाद डाइवर्ट कर देगी। जी राजीव, और ऐसे में देखिए राजधानी दिल्ली में जो है मुख्य समारोह स्वतंत्रता दिवस का आयोजित होता है, जगह जगह CCTV कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पूरी दिल्ली में कहा जा सकता है हाई अलर्ट है। पुलिस तो अपने तरफ से पूरी तरह से चाक चौबंद की हुई है। जगह जगह पे जो दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है, चाहे जो बॉर्डर इलाका है, जो नोएडा उत्तर प्रदेश को जोड़ता है नोएडा का जो इलाका है, या इधर हरियाणा फरीदाबाद का जो क्षेत्र है, तमाम जो बॉर्डर इलाके हैं यहाँ पे जो है पुलिस की टीम लगी हुई है और लगातार जो NCR के जो लोग दिल्ली में आ रहे हैं उनसे लगातार जांच की जा रही है। अगर कोई संदिग्ध दिख रहा है तो उसे रोका भी जा रहा है, पूछा जा रहा है और उसके बाद छोड़ा जा रहा है कौन है क्या है, पूरी आइडेंटिटी कार्ड उनका चेक किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार दिल्ली में जो है पूरी तरह से हाई अलर्ट रखा गया है। 15 अगस्त के मद्देनजर कहीं पर कोई अव्यवस्था न फैले, इसको लेकर पुलिस लगातार जो है मार्च कर रही है और जहाँ पे भी जो पॉइंट है जहाँ से लोग एंटर करते हैं दिल्ली में, उन तमाम जगहों पे जो है दिल्ली पुलिस के अधिकारी और जवान लगातार चौकसी बरत रहे हैं। जी शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए।